अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमाइमा इफ्तखार फ्रॉम अपमार्क एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ यूके। यूके के प्रोसेस में आपके कौन से स्टेप्स आते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अलावा किस टाइम पे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस करने लगे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अच्छा, यूके में एडमिशन्स दो तरह से होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली यूके की ही बात कर रहे हैं, तो आई एड्रेस यूके। मैं आपको, वैसे तो हर जगह पे दो तरह से एडमिशन होते हैं, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एड्रेस यूके। अच्छा, यूके में जो एडमिशन है वो दो तरह से होते हैं, एक आपका डायरेक्ट एडमिशन और एक आपका पैथवे। पैथवे की जो वीडियोज है मैंने लहजा से बना के चैनल पे लगाई हुई हैं। अगर आपको नहीं पता कि पैथवे क्या होता है और वो कितने तरह का होता है, तो आप वो वीडियोज देख सकते हैं। एनीवेज, आप एक एक वीडियो एक जो टाइप है वो पाथवेज हैं, एंड सेकंड टाइप इज योर डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन में योर अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड। अगर इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकली देख रहे हैं, अगर आपने अंडर ग्रेड में जाना है तो आपको 75% अबव चाहिए आपके उसमें 12 ईयर्स एजुकेशन में आपके हाई स्कूल में, और आपको जो आइल्स चाहिए वो 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5 चाहिए, और कुछ हेल्थ और लाइफ साइंसेज कोर्सेज में जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हाई है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेड में जाना चाह रहे हैं तो आपके 55% अबव होने चाहिए, और जो इनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 65% अबव लेती हैं। इसके अलावा आपकी जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ यूनिवर्सिटीज 6 ओवरऑल ले लेती हैं, बट मोस्टली जो है 6.5 ओवरऑल लेती हैं। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आपकी रिक्वायरमेंट 6 है, एजुकेशन और लिटरेचर के कोर्सेज है जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट 7 है। सो अगर हम ऑन एवरेज बात कर ले तो 6.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5, और अगर स्पेसिफिकली बात कर ले तो कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। और अगर आपका, लेट्स से कि आपके अंडर ग्रेड में, आपके आपके हाई स्कूल में, आपके इंटरमीडिएट में या ए लेवल्स में आपके जो एग्रीगेट है वो 75% नहीं बन रहा, उससे कम है, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो ऑब्वियसली एक पाथवे लेना पड़ता है, अदर फाउंडेशन या इंटरनेशनल ईयर वन, डिपेंडिंग अपन योर क्वालिफिकेशन के आप कहाँ पे एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा अगर हम एंट्री रिक्वायरमेंट को देख लिया, आपकी रिक्वायरमेंट जो थी एकेडमिक रिक्वायरमेंट, इंग्लिश रिक्वायरमेंट, इसके बाद अब ये रिक्वायरमेंट है, आप अगर रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, किस ऑप्शन में आप सूटेबल हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से मैं अब आपको प्रोसेस का थोड़ा सा फ्लो बताने लगी। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हैं, हम शॉर्टलिस्ट करके दो तीन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट योर ऑफर लेटर। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आता है, आइदर इट्स कंडीशनल और अनकंडीशनल, अगर तो आपने अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी साथ ही मीट की होंगी तो ऑब्वियसली अनकंडीशनल आएगा, फिर आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी, उसके बाद सिर्फ फाइनेंशियल रह जाएगी। फाइनेंशियल क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद अगर आपका जो अनकंडीशनल आता है तो ऑब्वियसली सारी कंडीशंस मीट करेंगे, अनकंडीशनल आएगा तो सिर्फ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे। हम जब अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेंगे, उसके बाद आपकी फ़ी डिपॉजिट होगी, फ़ी डिपॉजिट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, क्रेडिबल इंटरव्यू यूनिवर्सिटी लेगी, उसके बाद आपका कैश रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, कैश रिक्वेस्ट करने से पहले आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए डेफिनेटली, तभी आप कैश रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी फ़ी डिपॉजिट करानी है। यूके में आपका जो डिपॉजिट है वो 1000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपका जो भी बिफोर कैश और डिपॉजिट ले रहे हैं वो हमने डिपॉजिट कराना है। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी को बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है 28 डेज ओल्ड, जो भी आपकी कैलकुलेट होकर बनती है, रिमेनिंग फी प्लस योर लिविंग एक्सपेंसेस। जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी की जो जो आपकी लिविंग एक्सपेंस है और जो फी है वो उस हिसाब से आपकी कैलकुलेट होगी। अच्छा, अब आपने बैंक से आपने फ़ी डिपॉजिट करा दी, उससे पहले आपने सारी अपनी जो एकेडमिक और इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट कर ली थी, उसके बाद आपने फ़ी डिपॉजिट करा दी। फ़ी डिपॉजिट कराने के बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी। बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के बाद आपका कैश लेटर आ गया। कैश इज जस्ट इज योर स्पॉन्सरशिप लेटर। उसके बाद ही हम वीज़ा जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो लॉन्च कर सकते हैं। आपका वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च होता है, ठीक है, कैश आने के बाद। कैश आने में जो कैश का टर्न अराउंड टाइम है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली अगर ऑन एवरेज देख ले तो 10 से 15 दिन लगते हैं आपको कैश आने में। ठीक है, कैश जैसे ही आ जाता है आपका वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाता है। वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्चमेंट के टाइम पे आपका कैश होना चाहिए, आपकी 28 दिन पुरानी स्टेटमेंट होनी चाहिए, और उसके अलावा आपका ऑब्वियसली, मैं 70 पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो आपके पास इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए। आपकी सब चीज़ें कंप्लीट थी ही तभी यूनिवर्सिटी ने आपको कैश दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले से आपको असेस कर लिया। ये वैसे मैं आपको इन टर्म्स ऑफ 70 पॉइंट्स बता रही हूँ,
ये तीनों चीजें होंगी। फिर आपकी वीजा एप्लीकेशन जब लॉन्च होती है उस टाइम पे आपने जो भी अपना फॉर्म फिल किया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, अपनी अपॉइंटमेंट ली, फिर आपके बायोमेट्रिक्स के लिए आप जाते हैं VFS, उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स आता है वो 10 से 15 दिन में आता है। अगर तो आपने प्रायोरिटी सर्विसेज ली हुई है फिर इससे कम टाइम में आ जाता है, लाइक 1 वीक में आ जाता है। अगर प्रायोरिटी नहीं है, बेसिक सर्विसेज ली हुई है, 10 15 दिन लग जाता है लग जाते हैं। अच्छा, ये एक प्रोसेस का सारा फ्लो था। इससे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर लिया, ये प्रोसेस का फ्लो है कि आपका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। इसके बाद अब हम इसके बजट को देख लेते हैं। अच्छा, ये जो यूके है ना, वो दो तरह से आपकी फी को उसने जैसे कह लें कि डिवाइड किया हुआ है, एक आपका इनिशियल डिपॉजिट और एक आपकी इनरोलमेंट। हमारे हमारे बजट में डेफिनेटली हमारी इनरोलमेंट फी ऐड होनी चाहिए। लेट्स से एक यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट फी 50% है, उसकी टोटल फी 12,000 है। लेट्स से 12,000 फी है, 50% उसकी जो है वो इनरोलमेंट फी है, तो उसकी इनरोलमेंट फी कितनी बनी? 6,000। अच्छा, 6,000 में वो कह रहे हैं कि बिफोर कैश लाइक इनिशियल डिपॉजिट आप हमें 3,000 पे कर दें, बट यू हैव टू पे 50% ऑफ योर टोटल फी टू गेट इनरोल्ड। इसका मतलब ये है कि आपने 3,000 तो पहले पे कर दिए थे कैश लेटर से पहले, बट क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले आपने 3,000 और पे करना है, अपने 50% पूरा करना है, ताकि आप वहाँ पे इनरोल हो सकें और आपको BRP कार्ड मिल सके और आप वहाँ पे एक लीगल स्टेटस के साथ रह रहे हो। अच्छा, ये तो आपकी फी हो गई जो आपने यूनिवर्सिटी को पे करनी है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि आपका डिपॉजिट कितना है। कुछ यूनिवर्सिटीज इवन 3,000 पे अभी भी इनरोल कर रही हैं। फी के अलावा आपकी आती है IHS फी। IHS फी 470 पर एनम है, और आप जब भी किसी भी वीजा कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। जो 4 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलने हैं उसके उन्होंने 235 आपसे चार्ज करने हैं। तो अगर आप 1 साल के कोर्स में जा रहे हैं तो आपकी 705 बनती है। अगर आप प्लेसमेंट के साथ जा रहे हैं, एक मतलब मास्टर्स में जा रहे हैं, तो 705 बन रही है। अगर आप प्लेसमेंट के साथ जा रहे हैं तो आपकी 1175 बन रही है। और अगर आप अंडर ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो 470 × 3 + 235 लाइक 1635। और अगर आप प्लेसमेंट के साथ जा रहे हैं तो उसमें 470 और ऐड कर लें। इसी तरह अगर आप स्प्लिट फाउंडेशन में जा रहे हैं तो जस्ट 470 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइंट कैश में ज्वाइंट फाउंडेशन में जा रहे हैं तो आपका वही 470 × 4 + 235। लाइक आपका ड्यूरेशन कितना है वीजे का, कैश का, उस पर आपकी IHS रिलाई कर रही होती है। उसके बाद आपकी आ जाती है एम्बेसी फी, दैट इज 366। उसके बाद आपका TB टेस्ट जो कि 11,500 PKR में होता है। इसके अलावा आप अपने ट्रैवल एक्सपेंस ऐड कर लें, लाइक आपके जो एयर टिकट चार्जेस हैं वो। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट को भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। आपकी जो बजट है ईयरली और आपका जो इनिशियल है उसको भी डिस्कस कर लिया। आपकी रिक्वायरमेंट्स को भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होना है वो भी डिस्कस कर लिया। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है? फॉर अंडर ग्रेड रिकमेंडेशन लेटर जरूरी नहीं होते। पोस्ट ग्रेड के लिए आपको 2 रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेड में जा रहे हैं तो आपके हाई स्कूल तक सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन आपकी जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो होने चाहिए, मतलब प्रोविजनल नहीं होने चाहिए। और अगर आपके नहीं है तो आपका जो कंडीशनल लेटर तो अप्लाई हो जाएगा, बट साथ में आप जो है अर्जेंट बेसिस पे अपना जो है ना अप्लाई कर दें अपने सर्टिफिकेट्स के लिए। अगर आपने OE लेवल्स किया हुआ है तो डेफिनेटली आपकी जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट है वो नहीं, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो साथ चलेंगे। उसके अलावा अगर आपने IELTS नहीं किया तो वो बाद में भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर ऑफर लेटर इट्स नॉट मैंडेटरी, ऑब्वियसली आप बाद में जो है ना दे सकते हैं अपना IELTS। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपका रेफरेंस लेटर हो गया। उसके अलावा आपका पासपोर्ट, ID कार्ड मैंडेटरी नहीं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपकी एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए एंड टू गेट योर ऑफर लेटर। फिर ऑब्वियसली जो जो उनसे डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ पे आपके रहते हैं वो साथ साथ प्रोवाइड होते जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जहाँ पे हमने करीबन यूके के प्रोसेस के बारे में जितने भी फैक्टर्स आते हैं इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस फ्लो, एलिजिबिलिटी, लाइक एवरीथिंग उनको डिस्कस कर लिया। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और अगर आपको लगता है कि वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर लिखे होते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं, और या तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।